और मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार धनोरा की, जिन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी से निकाले जाने के बाद राजकुमार धनोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुर्खी विधायक और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी राजकुमार धनोरा ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमने संगठन के सामने अपनी बात रखी, अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की, उनसे कहा भी था कि अगर कोई गलती हुई तो मैं पार्टी से क्षमा मांगता हूं, लेकिन उनके बाद भी हमारे साथ में अत्याचार हुआ है। संगठन के सामने हमने बात रखी कि मैं खुद बीडी शर्मा से प्रदेश के अध्यक्ष, उनका मैं सम्मान करता हूं, मैंने उनसे जाकर मैंने मैंने कहा भी था कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं पार्टी के से क्षमा मांगता हूं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार किया गया, उसके साथ भी हमारे साथ अत्याचार किया, जिस पार्टी में 30 साल पूरी मेहनत की, आज तक कोई कदम एक रुपए का कलम को, और उस पार्टी ने हमें 30 साल की हमारी मेहनत 1 मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया।